दोस्तों मारुति सुजुकी जिमनी शोरूम्स पे पहुंच गई है और डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है। इसके सारे वेरिएंट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और फीचर्स सारे आउट हो चुके हैं। दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जीटा और अल्फा। इसी में आपको डुअल टोन और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। इस कार का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, जीटा या अल्फा, और आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, किस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, आज की इसी वीडियो में हम दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या फीचर्स दोनों कार ऑफर करती हैं। कंपैरिजन के लिए हमने दोनों वेरिएंट्स का मैनुअल ट्रांसमिशन लिया है। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं इनके प्राइस डिफरेंस। जीटा मैनुअल आपको पड़ेगा 14.73 लाख ऑन रोड, वहीं पे अल्फा मैनुअल पड़ेगा 15.80 लाख ऑन रोड। तो टोटल डिफरेंस ऑन रोड में आ जाता है 1,07,000 रुपए का। अब इस 1,07,000 रुपए में आपको अल्फा वेरिएंट में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या चीजें कॉमन है वो जान लेते हैं। इन दोनों वेरिएंट्स के अक्रॉस आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा। 1462 सीसी का K15B इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जो 103 bhp की पावर और 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। माइलेज की बात करें तो 16.94 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब आते हैं डायमेंशंस की तरफ। ये कार आपको लैडर फ्रेम चेसी पे बिल्डअप है और अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स कोई भी डायमेंशन में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और दोनों वेरिएंट्स में ही आपको 4x4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा, इंजन इमोबिलाइजर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, एंटी पिंच पावर विंडो जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे गाइस। तो ये तो हो गए आपके कॉमन फीचर्स जो अक्रॉस दोनों वेरिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो भाई क्या डिफरेंस आता है 1,07,000 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर डिफरेंसेस की। अल्फा वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं जीटा वेरिएंट में आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। अल्फा वेरिएंट में आपको LED DRLs देखने को मिल जाएंगे, वहीं जीटा वेरिएंट में आपको कोई भी DRLs ऑफर नहीं किए जाते हैं। अल्फा वेरिएंट में आपको हेडलैम्प वॉशर देखने को मिल जाएगा, वहीं जीटा वेरिएंट में आपको कोई भी वॉशर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अल्फा वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन वहीं जीटा वेरिएंट्स में आपको फॉग लैंप ऑफर नहीं किए जाते हैं। अल्फा वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, जीटा वेरिएंट में आपको मैनुअल हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। अल्फा वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड डोर्स और को पैसेंजर साइड डोर्स में दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन जीटा वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, केवल की होल ऑफर किया जाता है। अल्फा वेरिएंट की बात करें तो आपको इसमें 15 इंचेस के अलॉयज देखने को मिलते हैं, वहीं पे जीटा वेरिएंट की बात करें तो आपको यहाँ पे स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टील व्हील्स को भी यहाँ पे गन मेटल ग्रे कलर में पेंट कर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया लगते हैं। दोनों वेरिएंट्स में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन अल्फा वेरिएंट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट की फॉब देखने को मिलता है, वहीं पे आपको जीटा वेरिएंट में देखेंगे तो कुछ इस तरह की कीज आपको ऑफर करी जाती है। दोस्तों एक्सटीरियर्स में इन डिफरेंस के अलावा आपको दोनों कार्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अल्फा वेरिएंट्स की, तो आपको इसमें क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है, जीटा वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अल्फा वेरिएंट में आपको 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वहीं जीटा वेरिएंट में आपको 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों वेरिएंट्स के अक्रॉस आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो आपको अल्फा वेरिएंट में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप स्विच देखने को मिलता है, लेकिन जीटा वेरिएंट में आपको चाबी लगा के कार ऑन करनी पड़ेगी। दोस्तों अल्फा वेरिएंट की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है, वहीं पे जीटा वेरिएंट में आपको मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है। गाइस अल्फा वेरिएंट में आप देख सकते हैं लेदर स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जीटा वेरिएंट में आपको कोई भी लेदर रैप वगैरह स्टीयरिंग पे देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे दोनों कार्स में डिफरेंसेस। हमने कंपेयर किया है जीटा का और अल्फा का मैनुअल वर्जन। दोनों का प्राइस डिफरेंस पड़ता है 1,07,000 रुपए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। अगर आपको डिसाइड करना पड़े कि कौन सा वेरिएंट आप चूज करेंगे तो प्लीज वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको इस कार का कौन सा कलर पसंद आता है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।